जीवन का लक्ष्य तो क्या है? भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। तो फिर मैं क्यों एंटेंगल हूं? शिवजी से बात की, रोते हुए जब प्रकट हुए ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी से, तो उनका पहला प्रश्न था, मेरा नाम क्या, मेरे रहने का स्थान क्या? तो ब्रह्मा जी ने उनको 11 नाम दिए, 11 अवतार हैं, और साथ में 11 पत्नियां दी, 11 स्थान दिए रहने के। और जब उनसे कहा प्रजा बढ़ाओ, तो उन्होंने क्या बढ़ाए? भूत पिशाच हो गए, सांप बिच्छू हो गए, इससे पूरी पृथ्वी भरने लगी। तो ब्रह्मा जी ने रोक दिया, नहीं चाहिए मनुष्य, चाहिए क्यों? क्योंकि मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है, उसी योनि में व्यक्ति जो है भगवत धाम जा सकता है। बहुत सी योनियों में 84 लाख योनियां जीव आएंगे, लेकिन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ को सर्वश्रेष्ठ कहा गया। तो फिर अपने मानस पुत्रों से आगे कहा, उसमें दक्ष प्रजापति भी आए। अब प्रजा आगे बढ़ानी थी, तो जो प्रजा दक्ष प्रजापति ने आगे बढ़ाई संतान इत्यादि उत्पन्न की, तो बड़ा मान हुआ, बड़ा सम्मान हुआ कि देखो जी, ये पुत्र का, ये पिता का अच्छा पुत्र निकला, जिसने पिता का कहना माना। कहते ना, जो पुत्र नहीं वो मूत्र है, समझ लीजिए, मूत्र विसर्जन किया जो पिता का कहना नहीं मानता। ये आती के प्रसंग में भी पता चलता है, 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। जब उन्होंने कहा कि मुझे अपनी उम्र दे दो, मुझे अभी और भोग करने हैं, मेरी अभी इच्छा खत्म नहीं है भोग करने से, जबकि ऑलरेडी बहुत समय से भोग कर रहे थे, 2 रानियों से कर रहे थे, बहुत सारी संतान भी उत्पन्न करी, लेकिन इसके बावजूद भी कहते मुझे अभी और भोग करना, अभी मेरी लालसा खत्म नहीं हुई। तो पुत्र को कहा मुझे अपनी जवानी दे दो। तो तब पहले ऐसा सिस्टम था, इतने तपस्वी लोग हुआ करते थे कि अपना रिचार्ज जो किया हुआ दूसरे को ट्रांसफर कर सकते थे, फोन का रिचार्ज होता ना जैसे, अभी तो नहीं है ऐसा कोई सिस्टम। तो अपनी जवानी ट्रांसफर करने को कहा, पहले पुत्र ने मना किया, दूसरे तीसरे चौथे ने भी मना कर दिया, उनके रीजन थे अलग अलग कि एक ने तो कहा भाई यदु कुल में आ गया कि हमारे इसमें भगवान ने होना है सारी सृष्टि, यदु ने मना किया था, तो यदु यहीं से यदुवंशी वगैरह शुरू हुए थे। तो फिर सबसे छोटे पुत्र, क्या नाम था उनका? पुरु, अपनी जवानी देने को कहा और जवानी दे दी। फिर भोग किया, फाइनली उनका भाई मैं इतना निकल जाता, अब लो वापस। तो पहले ट्रांसफर हो जाती थी भोग करने के। तो जो व्यक्ति हम देख रहे हैं इस प्रकार भोगों में लगा रहता है, जिसको लक्ष्य जीवन का वो नहीं है, भक्ति नहीं है, तो क्या होता है? उसका जीवन व्यर्थ है। इसलिए ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए इतने बड़े बड़े कार्य किए दक्ष प्रजापति ने, तो क्या हुआ? महान कार्य था, तो दक्ष प्रजापति को फील होता था, यस आई हैव डन समथिंग, मैंने कुछ कर दिखाया। अब जो कर दिखाया मैंने, महान कार्य किया, तो मुझे मान सम्मान भी तो उसी हिसाब से प्राप्त होना चाहिए, और हुआ भी। जब सभा में एंटर किए तो सब लोग उनको देखकर, उनके कार्यों को देखकर, उनके तेज को देखकर, उनके पिता की आज्ञा की परायणता देखकर, उनका धार्मिक अनुष्ठान और जो कर रहे थे यज्ञ कर रहे थे उसको देखकर सब बड़े प्रसन्न थे। लेकिन केवल एक सभा में एक व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ, पिता को तो नहीं खड़ा होना था, शिव नहीं खड़े हुए, तो बस वहीं से समस्या हो गई। हम ये नहीं देखते कितनों से मिल रहा है मान, हम ये देखते हैं किससे नहीं मिल रहा है, वही चुभता है बस। इसलिए हमारे पास ऐसी बहुत सी चीजें इकट्ठी हो जाती है पूरे जीवन में, हस्बैंड वाइफ की, माता पिता की, बच्चों की, आपस में, कि मुझे क्या नहीं मिला, कहां कहां पर मेरे साथ धोखा किया गया। वो ये नहीं गिनता कि क्या क्या अच्छा हुआ, वो क्या गिनता है? क्या क्या बुरा हुआ। इसलिए जब लड़ाई होती है, ना जाने कहां से उसकी स्मरण शक्ति तेज हो जाती है, और जो आज तक उसके पास चीजें इकट्ठी थी सारी बोलता है उस समय लड़ाई के टाइम, और इतनी की इतनी लगाकर बोलता है। जैसे एक बार एक युवती का विवाह हुआ,
तो जैसे आजकल तो विवाह बहुत कम टाइम के लिए होते हैं, पहले लंबे समय के लिए होते थे। तो जब विवाह हुआ तो माता ने बच्ची को कहा, बेटा देखो ये तुम्हें मैं पासबुक दे रही हूं, बैंक में तेरा अकाउंट खुला दिया, अपनी तरफ से 1100 रुपये डाल दिए मैंने, से खाली रखना ठीक नहीं है। तो कहती क्या करना क्या ऐसा, कहती देख अब तू नया घर जा रही है, इस दहलीज से तेरी डोली उठी है और उस दहलीज से तेरी अर्थी निकलनी चाहिए, ऐसी शिक्षा देते थे माता पिता। आजकल तो मॉडर्न टाइम है, अब बोलते इस दहलीज से तेरी डोली उठी है, उस दहलीज से बाकियों की खतरनाक हो गया है। लोग बड़ा सोचते विवाह से पहले, कितने लोग आते हैं मेरे पास, क्या करूं, किससे करूं, कैसी होगी, क्या कर देगी। 40-50 साल में पूरा मैच ही पलट गया। क्रिकेट मैच में होता था ना, हार रहे हैं हार रहे हैं हार रहे, 10वां प्लेयर चौके छक्के मार के जिताते थे। 40-50 साल पहले सब बदल गया। पहले लड़कियां शादी से पहले इतने विचार विमर्श करती थी, हाय कहाँ जा रही है, कैसा घर होगा, कैसी सास मिलेगी, कितना काम करवाएगी, कितने टोंट मारेगी, बहुत डरती थी कैसी सास मिलेगी, विवाह से पहले बहुत बात करती। 50 साल बाद मैच उल्टा पड़ गया, अब सास बात करती है, हाय बहू कैसी आएगी, कहीं लेके तो नहीं जाएगी। सब बदल गया। तो जिसका अकाउंट बनाया 1100 रुपये डाले और कहा, बेटी आज के बाद जब तेरे घर में कोई खुशी का टाइम आए जिसमें तुझे ज्यादा आनंद प्राप्त हो, घर में खुशियां आए, तो क्या करना, इस बैंक अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसे जमा करा देना। कहते ठीक है माँ, चलो जी शादी होगी। बड़े खुश थे, माता पिता बड़े अच्छे मिले, पिताजी का बर्थडे आया, पैर छुए, बड़ा आशीर्वाद मिला, 1100 रुपये डाल दी। सास का बर्थडे आया, 1100 और डाल दिए। पति का बर्थडे आया, 2100 डाल दिए। पहली संतान हुई, 5100 डाल दिए। दूसरी संतान हुई, 5100 डाल दिए। पति ने साड़ी लेकर दी, 250 रुपये डाल दिए। तो इस प्रकार क्या हुआ, दिन बीतने लगे और एक दूसरे के साथ प्रेम विवाह प्रेम भी बढ़ता रहा। लेकिन अचानक, जैसे कि होता ही है कि जब बर्तन हो आपस में तो खटकते हैं, है कि नहीं। अब किचन में हरिनम गोपाल को काम कर रहे हैं, साइलेंटली थोड़ी कर सकते हैं, आवाज तो आएगी कि नहीं आएगी बर्तनों की। तो वहां भी आवाज आने लगी कुछ दिन बाद। क्या हुआ जी, छोटी छोटी बात पर अब मन मुटाव रहने लगा। एक दिन तो इतना झगड़ा बढ़ गया कि हाथ भी उठा दिएगा। अब पति चले गए ऑफिस, पत्नी ने फोन किया अपनी माँ को, माँ बस बहुत हो गया। कहती क्या हो गया, कहती अब मैं इस घर में 1 मिनट के लिए भी नहीं रह सकती क्योंकि अर्थी निकल जाएगी मेरी नीति। कहती क्या मतलब, कहती आज इन्होंने मेरे पे हाथ उठाया। कहती अच्छा, तो तू क्या सोच रही है। कहती मैं सोच रही हूँ हमेशा के लिए वापस आ जाऊं। कहती देखो 5-6 साल बीत गए शादी को, एक काम करो बेटी। कहती क्या, तुम्हारे को याद है मैंने तुम्हें पासबुक दी थी। कहती हाँ। कहती तुम काम करो, पासबुक ना बैंक लेके जाओ, सारा पैसा निकाल लो। कहती हाँ बिल्कुल ठीक है, वो तो मैंने अपनी तरफ से जमा कराए थे। तो लड़की चली जाती बैंक में, अपना बैंक सरकारी बैंक, सहकारी सोसाइटी बैंक टाइप बैंक था, लंबी लाइन लगी हुई थी। अब लंबी लाइन थी तो लड़की जो है बड़ी दुखी थी, बड़ी परेशान थी, लाइन में धीरे धीरे आगे चल रही थी। तो पासबुक खोलकर देखती है, पासबुक में एंट्रीज होती हैं और उस एंट्रीज के सामने उसने हाथ से लिखा हुआ था कि कौन कौन से खुशी के टाइम पर मैंने कौन कौन से कितने कितने पैसे जमा कराए। तो जब लिखती है, देखती है, पढ़ती है, ऐसा हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर हम गए थे, फिर संतान हुई थी, फिर हमने ये खाया था, फिर वहां गए थे, हर एक के पैसे लिखे हुए हैं, तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जब तक काउंटर पे पहुंचती है, नंबर, हाँ जी मैडम टोकन, तो आंसू पहुंचती है और वहीं से यू टर्न ले लेती है कि नहीं निकालने, तो अपने घर आ जाते हैं।
और पासबुक जो है वो अपने हस्बैंड के तकिए के पास रहेंगे। रात को खाना वाना लगा तो बेचारा खा लेता अपना आके, ये इधर सो रही होती है, वो जैसे आके सोता है तो देखता है पासबुक पड़ी है, तो पासबुक में देखता है वो भी पढ़ता है, इतने पैसे जमा कराए, इतने कराए, इतने कराए, इस इवेंट पर, इस खुशी पर, इस, उसके भी आंखों से आंसू शुरू हो जाते आने। तो जैसे ही उसके आंसू भी आते हैं तो उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं और कहते हैं देखो कितना समय हमने खुशियों के साथ मनाया था और आज पिछले दो चार दिन से हल्की सी झगड़ा क्या शुरू हुआ, मनमुटाव क्या शुरू हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग क्या शुरू हुई, हमने एक दूसरे पे लानत मारना शुरू कर दी, हाथ उठाना शुरू कर दिया, घर छोड़ने तक की बात शुरू कर दी और दोनों फिर एक दूसरे से माफ़ी मांगी और आगे का जीवन ठीक चलाने की प्रतिज्ञा ली। अगले दिन बेटी माँ को फ़ोन करती, माँ मैं नहीं आ रही, आई एम हैप्पी हियर। तो क्या हुआ, इस घटना से क्या सीख रहे हूँ कि हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें बहुत से लोगों के साथ हमेशा अच्छी ही होती हैं, बहुत ज़्यादा हम ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करते, हम गुड टाइम को काउंट नहीं करते, हम पॉजिटिव टाइम को काउंट नहीं करते, हम कौन से टाइम को काउंट करते हैं, हमारे साथ बुरा क्या हुआ, और उसके आधार पर मैंने कहा ना स्मरण शक्ति आ जाती है अचानक, कब कब हुआ, कहां कहां हुआ, कैसे कैसे हुआ, सब जैसे उसने पासबुक बना रखी थी, हमारा रजिस्टर बना होता नेगेटिविटी का, सब इकट्ठा रहता है और इकट्ठा ही बोल देते धड़ाम करके, जिस चीज के लिए आप सॉरी बोल चुके हो, जिस चीज की बात खत्म कर चुके हो, सब कुछ दिल में रखा होता है और वो आपको खाता रहता है। तो जिसके पास, जिसने भी महान कार्य किए हैं उसको ये तो याद रहता है कि सबको मुझे सम्मान करना है, लेकिन जिसने नहीं किया उसके प्रति ईर्ष्या द्वेष हो जाता है। तो हमें इस कथा से या इस छोटी सी स्टोरी से ये समझना चाहिए और सीखना चाहिए कि जिंदगी में हमें केवल ब्लेसिंग्स को काउंट करना चाहिए। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, इस प्रकृति के प्रति हमारा प्रेम बढ़ जाएगा, हमारी कृतज्ञता बढ़ जाएगी अगर इस प्रकृति ने, भक्तों ने, भगवान ने हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया है, हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी भक्ति में एडवांसमेंट के लिए उन्होंने क्या योगदान दिया है, अगर इसको सोचने लग जाएंगे तो हृदय में कृतज्ञता आ जाएगी, दीनता आ जाएगी। और अगर इसको हटाकर हम ये सोचने लग जाए कि मैंने क्या क्या किया है और अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लग जाएंगे, देखो उसने कम किया, इसने कम किया, मैंने ज्यादा किया, उसको ये मिला, उसको ये मिला, मुझे कम मिला, उसको सम्मान मिला, उसका नाम लिया, मेरे को नहीं मिला, तो जितना अच्छा किया था, जितना हृदय उस कृतज्ञता से भरना था, ग्रेटिट्यूड से भरना था, वो किससे भर जाएगा, नेगेटिविटी से, ईर्ष्या से, प्लानिंग करने लग जाएंगे, हर बार सोचने लग जाएंगे, मन के अंदर शांति खत्म हो जाएगी, अशांत रहना शुरू कर देंगे, हर समय उद्वेगित रहेंगे, परेशान, दुखी, कोई भी अच्छा नहीं लगेगा, वो जगह ठीक नहीं लगेगी। तो ये जो मन है हमारा, इसको ट्रेन करने वाली बात है और इसके द्वारा हमारे साथ जो अच्छा हुआ उसका सोचना,